हेलो एवरीवन, मैं शाजिया अंजुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल लजीज किचन बाय शाजिया। और ये आज फिर मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बड़े मज़े की है, आप पूरा देखिएगा और अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज इस रेसिपी के साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करूँगी। इस बारे में मैं जब सोच रही थी, मेरे दिल को बड़ा डर लग रहा था कि शायद ये गलत नज़रिए में चला जाए, लेकिन फिर भी कितना गंभीर मामला है ये कि लड़कियों के पैदा होने से लोग दुखी हो जाते हैं या माएँ सुसाइड कर लेती हैं। इस बात को बोलने से पहले मैं बड़ा परेशान थी। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ देखी और मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उस माँ ने छत से कूद कर जान दे दी। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए तो हमेशा ही बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे ये बात बड़ा परेशान करती है। लोगों ने कहा कि शायद तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाए, शायद तुम पूरी जस्टिस भी ना कर पाओ इस बारे में बात करने की। लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे पता है इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। शायद इसके बाद भी मेरा मन उतना ही परेशान रहेगा, मैं उतनी बेचैन रहूँगी। फिर भी इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। हम इंसान हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती हैं, न्यूज़ देखते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। कई बार तो हमारे नज़रों के सामने कई वाक्या होकर गुजर जाता है जो दिल को लग जाती है। एक तरफ हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ कड़वे सच जिसे देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि हम तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें क्या परेशानी है, हमें क्या इतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या सच में फ़र्क नहीं पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, हर बात की तार हम सब से जुड़ी हुई है। मैं आप सब से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। इस ऐसे मुद्दे पर जो हर रोज़ हमसे किसी ना किसी ज़रिए आकर टकराती है, क्योंकि इस इतने बड़े प्रॉब्लम या सही मायने में बोले तो गुनाह के हम में से ही कोई एक ज़िम्मेदार है, या सच बोलो तो हम सब ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि ये जो होता आया है और जो हो रहा है, कहते हैं ना, करने वाला जितना गुनाहगार है सहने वाला भी बराबर का होता है। तो जो लोग ऐसा भी बहुत आसानी से कह देते हैं, कुछ लोग ऐसे कि ये इलिटरेट लोग ऐसा करते हैं या सोचते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सोचते, पर ऐसा नहीं है। ये आज भी हमारे आसपास हो रहा है। ये बिल्कुल गलत साबित हो गया है कि पहले के लोग, पुराने ज़माने के, पुरानी सोच रखने वाले या अनएजुकेटेड लोग ऐसा सोचते हैं या करते हैं। ये हाल आज भी सेम है और हमारे आसपास हो रहा है। हम एक आईने के सामने खड़े होकर खुद से, खुद के मन से पूछें, जवाब मिल जाएगा, क्या हम ऐसा सोचते हैं? मैं बेटे या बेटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब ऊपर वाले ने लड़का और लड़की बनाया तो उसने ये फ़र्क नहीं बनाया था जो हम इंसान बना दिए। मैं पुराने ज़माने की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी इस टाइम की बात कर रही हूँ जब हम सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड होकर भी ऐसा कर रहे हैं और यही सोच रखे हैं, तो दुख होता है। क्या ये सोच बदल नहीं सकती? जहां आज़ादी के वक्त लिटरेसी रेट 16% थी और 2011 सेंसस के अनुसार साक्षरता दर 74% के पास है, तो ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं है। औरतों के
समाज में भागीदारी भी बढ़ी, लेकिन बहुत कम। मिसाल के तौर पे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फॉर्मल सेक्टर में 20% तक पहुंचकर फिर से घट ही रही है। अगर आप भी फैक्ट रिसर्च करेंगे तो देखेंगे इस बदलते ज़माने में ऐसी कोई ख़ास बदलाव औरत के हक में नहीं हुई है। तो आप बताएं कि क्या ये इतना ज़रूरी मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए, या फिर इतना नाकाफ़ी कि एक औरत के फूहड़ कमेंट के मीम्स तो वायरल हो जाते हैं, पर छत से कूद जाने वाली 5 बेटियों की माँ की हम दशा भी ना लें। तो लीजिए, यहाँ पर मेरी रेसिपी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे असेंबल करेंगे और फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताएं। इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी सवालों का जवाब मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।